हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानी कैंप, जहां हम सीखते हैं बाइबल से दिलचस्प बातें और अपनी कहानी सुनाकर करते हैं ढेर सारे कहानी बैजेस कलेक्ट। और हमेशा की तरह आप भी अपने कहानी बैच कलेक्ट करने के लिए अपनी मजेदार कहानियां हमें वीडियो के जरिए भेजें। रॉजर, क्यों ना अपने कैंप चेयर से शुरू करें। टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। शाबाश दोस्तों, क्या बात है। उम्मीद है आज भी आप बाइबल से नई और दिलचस्प बातें सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो क्या आपको याद है पिछली दफा हमने क्या सीखा था? हाँ रॉजर, मुझे याद है। पिछली दफा हमने सीखा था कि हमें कभी भी किसी पे झूठा इल्जाम और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और हमने ये भी सीखा था कि हमें हमेशा धीमे लहजे से ही बात करनी चाहिए ताकि लोग हमें पसंद करें। और हाँ, हमने दाइम और शान की कहानी भी सुनी थी। शाबाश दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम ये खास बातें हमेशा याद रखते हो और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करते हो। हाँ रॉजर, मैं बाइबल की सब बातें ध्यान से सुनता हूँ और इन्हें याद भी रखता हूँ। रॉजर, तुम्हें पता है हमारी पड़ोस में मेरा एक दोस्त रहता है शारून। उसके पापा ने उसको एक बहुत अच्छी साइकिल गिफ्ट की है। काश मेरे पास भी ऐसी साइकिल होती। हाँ, वैसे सारा के पास जो डॉल है ना, काश मेरे पास भी वो होती। खैर रॉजर, वैसे आज हम क्या सीखेंगे? तुम दोनों की बातों को सुनने के बाद मैंने एक बात नोट की है। तो आज हम ऐसी ही कुछ खास बातों के बारे में सीखेंगे और ये बात भी हमेशा की तरह याद रखना है। रॉजर, लेकिन वो कौन सी बात है? हाँ हाँ रॉजर, मुझे भी बताओ आखिर वो कौन सी बात है। थोड़ी देर पहले तुम दोनों दुनियावी चीजों को लेकर परेशान हो रहे थे, शारून की साइकिल, सारा की डॉल। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ। बात तो सच है, हम अक्सर अपनी चीजों की फिक्र में रहते हैं। हाँ पिंकी, कभी खाने पीने की चीजें तो कभी खिलौनों के लिए। दोस्तों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि वो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन रॉजर, काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है ना, जब हमारी ख्वाहिशें पूरी भी नहीं होती। क्योंकि हम अक्सर खुदा से कई ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो खुदा हमें देना तो चाहता है, लेकिन सही टाइम पर। खुदा सबकी ज़रूरतों को अच्छे से जानता है और हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी वो हमें देना चाहता है। मैं जानता हूँ रॉजर, ये आयत हमें मत्ती की अंजील उसके छठे बाब में मिलती है। अरे वाह हैरी, तुम्हें तो हवाला भी याद है। हाँ भाई, क्या बात है हैरी। इंसान होते हुए हमें बहुत सी चीजों के लिए परेशानी होती है कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। दोस्तों, आपको याद है जब मूसा और बनी इसराइल कौम बियाबान में सफर कर रहे थे, तब खुदा उनकी सब जरूरियात को पूरा करता था। रॉजर, मुझे याद है दिन की धूप में खुदा उन पे साया करता था और जब उन्हें भूख लगती थी तो वो आसमान से मन बरसाता था। इसका मतलब खुदा हमारी सब जरूरियात को पूरा करता है और हमारी हिफाजत भी करता है। और खुदा हमें वो चीजें देता है जो हमारे लिए सही होती हैं। बेशक खुदा हमें देर से देता है क्योंकि वो जानता है हमें कब किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल रॉजर, खुदा हमें वो ही चीजें देता है जो हमारे लिए सही होती हैं। कभी कभी हम खुदा से वो सब भी मांग लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता। लेकिन जो कुछ खुदा हमें देता है हमें उसके लिए हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे तो कोई भी चीज मिलती है मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और उसे संभाल के रखती हूँ। हाँ, और मैं भी अब दुनियावी चीजों की फिक्र में नहीं हूँ। जो मेरे पास है मैं उसका शुक्र करता हूँ। बहुत खूब। तो दोस्तों, अब वक्त हो रहा है कहानी सुनने का। तो बताओ फिर, आज तुम दोनों में से मजेदार कहानी कौन सुनाएगा? रॉजर, आज मेरे पास एक बहुत ही मजेदार कहानी है, तो क्या आज की कहानी मैं सुनाऊं? अरे वाह पिंकी, तो चलो दोस्तों आज की कहानी हम पिंकी से सुनेंगे। लेट्स गो फ्रेंड्स।
एक लड़का था आशिर। वो हमेशा अपनी चीजों के लिए परेशान रहता था और अपनी कोई भी चीज किसी से शेयर नहीं करता था। उसको यही फिक्र रहती थी कि कहीं कोई उसकी चीजों को खराब ना कर दे। ओ, लेकिन आशिर को अपनी चीजों की इतनी फिक्र क्यों रहती थी पिंकी? वैसे शेयरिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये आशिर शेयरिंग क्यों नहीं करता था? रॉजर, वो अपनी क्लास का टॉपर था। हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते थे। आशिर चीजों की इतनी फिक्र करता था कि वो हर वक्त टेंशन में रहता था, और क्लास का कोई भी बच्चा आशिर का दोस्त नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपनी चीजों को लेकर किसी न किसी से लड़ता रहता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो क्लास का टॉपर था, लेकिन वो हर किसी से लड़ता क्यों था? ओह, अब मैं समझा कि उसका कोई क्यों दोस्त नहीं बनता, क्योंकि वो सब पर गुस्सा करता है और अपनी चीजें भी किसी को नहीं देता। हाँ हैरी, तो एक दिन क्लास में एक नया बच्चा आया जिसका नाम था रमन। रमन बहुत जल्दी सबका दोस्त बन गया और वो अपनी चीजें भी सबके साथ शेयर करता था। उसने देखा कि आशिर हमेशा उदास और परेशान ही रहता है, तो उसने आशिर से बात की और उसके साथ टाइम स्पेंड किया। आशिर भी उसको देख के हैरान था कि कैसे रमन इतना खुश रहता है। ओ वाह, किसी की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है। रमन तो बहुत ही अच्छा लड़का लगता है, और आशिर के लिए भी ये कितनी अच्छी बात है कि रमन ने उससे दोस्ती की। हाँ रॉजर, मुझे भी रमन एक अच्छा लड़का और साफ दिल का लगता है। अच्छा पिंकी, आगे तो बताओ, आगे क्या हुआ? तो रमन और आशिर स्कूल के बाद साथ में घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जरूरतमंद शख्स नजर आया। आशिर ने देखा कि रमन ने अपना लंच उस जरूरतमंद शख्स को दे दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया रमन ने। रमन को देखकर लग रहा है कि वो बहुत समझदार लड़का है। उम्मीद है कि ये देखकर आशिर ने भी उससे कुछ सीखा होगा। हाँ रॉजर, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। अगर मैं अपना लंच स्कूल में नहीं करता तो किसी जरूरतमंद को दे देता हूँ, ताकि वो लंच जाया ना हो। आशिर ने रमन से पूछा कि तुमने अपना लंच क्यों किसी को दे दिया? रमन ने जवाब दिया कि खुदा हमें सब देता है, हमें हर चीज के लिए खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए और सबके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। जबरदस्त, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों के साथ खुदा भी हमसे बहुत खुश होगा। बिल्कुल सही कहा रॉजर तुमने। खुदा हमें बहुत सी बरकतों से नवाजता है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। पता है, जब मैं स्कूल से वापस घर जाता हूँ तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए चॉकलेट्स लेकर जाता हूँ और उनके साथ शेयर भी करता हूँ। हैरी, आशिर रमन की इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ। अगले ही दिन वो अपनी पूरी क्लास के लिए चॉकलेट्स लाया, सबको दी और सबसे सॉरी किया, और ये भी कहा कि आज के बाद मैं अपनी सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमसे जब भी कोई गलती हो, हमें उसे मानना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। रॉजर, रमन की इस बात से आशिर ने ये सीखा कि कभी भी किसी भी चीज के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। The end. वाह पिंकी, तुम्हारी कहानी तो बहुत मजे की थी। मुझे तो सुनकर बहुत मजा आया। पिंकी, तुम्हारी कहानी तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी, और फाइनली आशिर ने भी खुशी से रहना सीख लिया। रमन की इन बातों ने उसका जहन बदल दिया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके साथ वापस दोस्ती कर ली और अब तो अपनी चीजें भी शेयर करता था। तो पिंकी, ये लो तुम्हारा कहानी बैज। ये, थैंक यू रॉजर। दोस्तों, पिंकी की कहानी से हम सब ने क्या सीखा? यही ना कि कभी भी किसी चीज के लिए फिक्रमंद नहीं होना, हमें सबके साथ प्यार करते रहना है और अपनी चीजें सबके साथ शेयर करनी है। हाँ, और हमें हमेशा रमन की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है और खुदा पर यकीन रखना है, क्योंकि वो ही हमें सही वक्त पर सही चीज मुहैया करता है। और इस कहानी से मैंने भी सीखा कि अगर हम अपने में से थोड़ा किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो खुदा हमें उसका दुगना देगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। और दोस्तों, आप भी इन खास बातों को याद रखना। अगर हम अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हमारी जरूरत पर भी कोई हमसे शेयर नहीं करेगा। इसलिए जो भी हमारे पास है उसे एक दूसरे के साथ जरूर बांटें,
ताकि खुदा भी हमको पसंद करे। इसीलिए जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में सबसे पहले रखते हैं तो वो हमारी सब जरूरतें पूरी करता है और हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। शाबाश पिंकी हैरी और दोस्तों, चलो अब देखते हैं कि तुम दोनों को आज की कहानी में से कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। वेलकम एवरीवन टू कहानी क्विज। आइए देखते हैं आज हम सब ने क्या सीखा। आज तो मैं ही जीतूंगी। और मैं भी रेडी हूँ पिंकी। तो हर सवाल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। सो रेडी सेडी आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। ये रहा आज का पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। जब मूसा और इसराइली कौम बियाबान में सफर कर रहे थे तो किसने उनकी जरूरत पूरी की? आई रिपीट, जब मूसा और बनी इसराइल कौम बियाबान में सफर कर रहे थे तो किसने उनकी जरूरत पूरी की? मुझे याद है, खुदा ने उनकी मदद और रहनुमाई की थी। धूप में खुदा उन पे साया करता था और जब उन्हें भूख लगती थी तो आसमान से मन बरसाता था। बहुत अच्छे हैरी, बिल्कुल सही जवाब। ये। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। क्या हमें दुनियावी चीजों की फिक्र में रहना है? ए ट्रू या बी फॉल्स? इस फॉल्स फॉल्स। एक और सही जवाब। हैरी के लिए जोरदार तालियां। ये पिंकी, और बोलो। रुको तो सही। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। अब तक हैरी हैं लीड में। तो ये रहा आपका तीसरा और फाइनल सवाल। वो कौन सी कौम थी जिसकी जरूरियात खुदा पूरी करता था जब वो सफर में थी? आपके ऑप्शंस हैं ए यहूदी कौम, बी इसराइली कौम, सी केनानियों की कौम। यहूदी कौम। सॉरी हैरी, लेकिन ये गलत जवाब है। ओह नो। पिंकी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का। मुझे पता है, ऑप्शन बी इसराइली कौम। बहुत खूब पिंकी, बिल्कुल सही जवाब। ये। लेकिन आज के विनर हैं मिस्टर हैरी। ये। तो हो जाएं जोरदार तालियां हैरी के लिए। कोई बात नहीं पिंकी, अगली दफा ही सही। हाँ हाँ हैरी, जरूर। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। गुड बाय। बाय। कहानी क्विज में बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आपने भी सब सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। हैरी, पिंकी, क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया और मजेदार गीत सीखें, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। ये। चीज़ों
वाओ, था ना फन सॉन्ग। हमें ये बातें जरूर याद रखनी हैं, कभी भी किसी चीज के लिए फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि खुदा हमारा ख्याल रखता है और हमें हर जरूरत की चीज मुहैया करता है। शाबाश हैरी पिंकी और दोस्तों, आप सब ने आज की कहानी अच्छे से सीख ली। दोस्तों, खुदा के साथ हमें कोई गम और किसी भी चीज की फिक्र नहीं होगी और उसके साथ हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं भी अपने सारे दोस्तों के साथ ये अच्छी बातें शेयर करूंगा। बहुत अच्छे। दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों के साथ ये बातें जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें और किसी भी दुनियावी चीज के बारे में परेशान ना हो। प्यारे दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा और मिलकर सीखेंगे बाइबल से और भी दिलचस्प बातें। आप अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।